हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जेसिका और आपके अपने जेसिका ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारे यहाँ छोटी गुड़िया, तो अभी हम चल रहे हैं पूजा की तैयारी करने। आज के दिन ऐसा होता है कि जैसे घर के लोग जाते हैं माता जी का भीख मांगने, जैसे 5 या 7 घर जाते हैं और माता जी का भीख मांग कर ले आते हैं, बोलते हैं कि माता जी का भीख दे दो, तो वहाँ पर मिल जाता है जैसे कि गेहूँ और धान। तो उसको क्या करते हैं, उसको ले कर आते हैं और जैसे दुकान पर उसको बेचते नहीं है, उसको दे देते हैं। और देने के बाद जब वहाँ पे दे देते हैं उसको, तो दुकान वाले जो भैया होते हैं वो देते हैं कुछ गुड़ दे देते हैं और सौंठ और क्या देते हैं, एक चीज़ अगरबत्ती, हल्दी होता है और लौंग। तो चलिए शुरू करते हैं माता जी का प्रसाद बनाना। तो आज हमारी मम्मी बनाएंगी, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। गेहूं का आटा ले लिए हैं पहले से और इनको हम सबसे पहले गूंथेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लिए हैं, इधर साइड पानी भी लिए हैं। यहाँ पे हम कुछ आटा निकाल देंगे हलवा बनाने के लिए। और इतना आटा गूंथ लेंगे, इसमें से गोझा भी बन जाएगा और पूड़ी भी बन जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे हम आटा को गूंथ लिए हैं। गोझा बनाने के लिए यहाँ पे गुड़ लिए हैं और सौंठ, हल्दी, इनको चल रहे हैं कूटने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी हल्दी को कूट करके पीस रही हैं। इसके बाद अदरक को भी कूट करके पीस लेंगे और यहाँ पे गुड़ को फोड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सौंठ को कूट करके पीस लिए हैं और गुड़ को कूट लिए हैं, इन्हें हम मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी चकई कट कर ली हैं और गुड़ और सौंठ को मिक्स कर लिए हैं अच्छे से। और यहाँ पे सबसे पहले मम्मी इनको बेल लेंगे पूड़ी जैसे, ये देखिए इसी तरह। अब इनका बनाएंगे गोझा, तो ये देखिए इसी तरह बनाना है। ये देखिए पहले इसको इसी तरह करना पड़ता है, सारा गोझा इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम बना रहे हैं कुछ गोझा। सारा गोझा बनाने के बाद यहाँ पे पूड़ी को भी बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पूड़ी भी बेल लिए हैं और गोझा भी बना लिए हैं, अब इनको हम करेंगे फ्राई। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी चूल्हे में आग जला ली हैं। यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दी हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पे डाल रहे हैं तेल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसी में गोझा को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारी मम्मी पलट रही हैं इनको, ये देखिए दोनों तरफ अच्छे से पका रही हैं। गोझा अच्छे से फ्राई हो गया है, थाली में इनको निकाल लिए हैं और इसके बाद पूड़ी को फ्राई करेंगे। ये देखिए गोझा और पूड़ी बनकर के तैयार है और अभी बनाना है लपसी। लपसी बनाने के लिए यहाँ पे ऑयल में आटा को डाल दिए हैं और इसको अब कुछ देर भूनेंगे। ये देखिए यहाँ पे आटा को बहुत अच्छे से भून लिए हैं, अब इन्हें हम थाली में निकालेंगे। अब इन्हें बनाने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे पानी और इसके बाद यहाँ पर सौंठ और गुड़ को जो मिक्स किए थे, अब इसी में डाल देंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा, मिक्स करेंगे।
मिक्स हो गया है, पानी में इनको डाल देंगे और भुना हुआ आटा में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके यहाँ पे मम्मी अच्छे से मिक्स करेंगी। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। अब इसी में पकने के लिए डाल दिए हैं। कुछ देर के बाद अब ये उबलने लगा है। इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और यहाँ पे जल के लिए पानी ले रही हैं मम्मी। और ये लिए छियूल का पत्ता। पत्ता को अच्छे से धुली और छट्ठी करने के लिए यहाँ पे लपसी और पूड़ी गोझा यहाँ पे निकाली और अगरबत्ती गौर और सिंदूर दीपक और ये देखिए इसी तरह सारे पत्ते को रख लिए हैं। जल बनाने के लिए यहाँ पे लोटा में लिए पानी और इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर, सिंदूर, लौंग और सारे पत्ता में हल्दी और सिंदूर का टीका लगा दिए और ये देखिए इसी तरह पूड़ी और गोझा लपसी रख लेंगे, साथ पूड़ी और साथ गोझा। इसके बाद दीपक जलाना पड़ता है और अगरबत्ती सारा कुछ अच्छे से चढ़ा दिया और इसके बाद जल यहाँ पे चढ़ाएंगे और जो जल बचा है इसको बाहर घर के चढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए बादल बहुत सुंदर लग रहे हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे प्रसाद चढ़ जाने के बाद इसको ले लिए खाने के लिए। तो ये देखिए सबसे पहले आप लोग खाइए और इसका टेस्ट बताइए। पूड़ी और गोझा खाने में हमको बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी।